हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। प्री टर्म बेबीज को फुल टर्म बेबीज से कहीं ज्यादा केयर और अटेंशन की जरूरत पड़ती है। ऐसे बच्चों की केयर इस पर डिपेंड करती है कि उनका जन्म एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से कितना पहले हुआ है। प्रॉपर केयर और मेडिकल सुपरविजन मिलने पर ये बच्चे भी टाइम के साथ साथ फुल टर्म बेबीज की ही तरह ग्रो करते हैं और हेल्दी भी हो जाते हैं, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे जो प्री टर्म बेबीज की केयर के लिए जरूरी होते हैं। केयर टिप्स फॉर योर प्री टर्म बेबीज एट होम। प्री मेच्योर बेबीज को लैच करने में अक्सर प्रॉब्लम आती है और ऐसा होना कॉमन है। इसके लिए बेस्ट ऑल्टरनेट यही है कि हम ब्रेस्ट मिल्क को पंप की हेल्प से निकाल कर बच्चे को फीड करवाएं, और बच्चे को बॉटल से फीड करवा सकते हैं। डॉक्टर कई बार प्री टर्म बेबीज के लिए स्पेशल फॉर्मूला मिल्क भी रिकमेंड करते हैं। स्टिक टू अ फीडिंग शेड्यूल। प्री टर्म बेबीज को दिन भर के दौरान 8 से 10 बार फीड करवाने की जरूरत होती है। ये फीडिंग रेगुलर इंटरवल्स पर करवाई जानी चाहिए और दो सब्सिक्वेंट फीड्स के बीच 4 घंटे से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकती है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। कीप रिकॉर्डिंग योर बेबीज ग्रोथ। प्रीमैच्योर बेबीज फुल टर्म बेबीज के मुकाबले ग्रोथ और डेवलपमेंट में थोड़े स्लो हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर केयर के साथ इवेंचुअली कैचअप कर लेते हैं। ऐसे में इनकी ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए डिफरेंट ग्रोथ चार्ट्स यूज किए जाते हैं। आप डॉक्टर के कंसल्टेशन से ऐसे ही ग्रोथ चार्ट अपने बेबी के लिए मेंटेन कर सकते हैं। इस चार्ट की हेल्प से आपको अपने बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर करने में आसानी होगी। क्रॉस्ड आईज की प्रॉब्लम प्री टर्म बेबीज में कॉमन होती है, और ऐसे में आई डॉक्टर से कंसल्ट करें। कुछ बेबीज में ROP यानी रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी की प्रॉब्लम भी आती है, जिसमें आईज की स्मॉल ब्लड वेसल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। ऐसा होने पर आई डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करें और रेगुलर चेकअप्स करवाने चाहिए। ROP ट्रीटेबल है, जिससे बच्चों में विजन लॉस को प्रिवेंट किया जा सकता है। बेबी की हियरिंग टेस्ट करवाने के लिए उसके पीछे या साइड में कुछ आवाजें करें, फिर देखें कि क्या वो आवाजों की डायरेक्शन में देखने की कोशिश करता है या नहीं। अगर बच्चे को आवाज के आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत हो, तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। रेगुलर विजिट्स टू द डॉक्टर। अपने डॉक्टर से रेगुलरली टच में रहें और बेबी की डेवलपमेंट से रिलेटेड अपडेट्स उनके साथ शेयर करें। केवल डॉक्टर ही आपको आपके बच्चे के लिए सबसे ऑथेंटिक और हेल्पफुल केयर टिप्स दे सकते हैं। मीट बेबीज स्लीप रिक्वायरमेंट्स। नींद के दौरान बेबी की मैट्रेस फर्म और कंफर्टेबल होनी चाहिए। पिलो का यूज ना करें। बेबी को पेट के बल ना सुलाकर पीठ के बल सुलाएं, जिससे प्रॉपर अनइंटरप्टेड स्लीप में हेल्प मिलती है। प्री टर्म बेबीज के लिए फूड स्वॉलो करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है, इसलिए इनके मामले में एक्चुअल डिलीवरी डेट से नहीं, बल्कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से 4 से 6 महीने बाद, जिसे करेक्टेड डिलीवरी डेट भी कहा जाता है, तब से सॉलिड फूड शुरू करवाना चाहिए। डॉक्टर्स की विजिट के अलावा प्री टर्म बेबीज के लिए आउटडोर एक्सपोजर रिस्की हो जाता है। इन्हें इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ लेता है, जो इनके लिए काफी ज्यादा फेटल हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स को बाहर जाते हुए भी बेबीज का खास ख्याल रखना चाहिए। प्रैक्टिस कैंगरू केयर एट होम। प्री टर्म बेबीज के जन्म के बाद कुछ वीक्स तक कैंगरू केयर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है और बहुत फायदेमंद भी माना जाता है, जिसमें स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट किया जाता है। इसमें प्री मेच्योर बेबीज को हाफ नेकेड फॉर्म में मदर्स की बेयर स्किन से लगाकर रखा जाता है, और ऐसा हर रोज कुछ घंटों के लिए लगातार किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके हमें अपने विचार जरूर बताएं। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारे थ्रू एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।